हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डॉग बूस्टर नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है वो हमारी यूपीएससी सीएमएस के ऊपर होने वाली है, जो बहुत ही मतलब आपके लिए बहुत ही आपको नॉलेज देगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत स्पेशल है, आज जो हमारे गेस्ट है वह है डॉक्टर वरुण सर। तो आप सर थोड़ा अपने बारे में बताइए। हेलो गाइस, मेरा नाम डॉक्टर वरुण अग्रवाल है और मैं यूपीएससी से, वैसे मेरी स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक्स है एंड मैं यूपीएससी सीएमएस के थ्रू सीएचएस कैडर में वर्क कर रहा हूँ। सो एंड थैंक्स डॉक्टर साहब, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। सो बेसिकली आज का हमारा वीडियो होगा यूपीएससी सीएमएस को लेकर, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज आपने देखी होगी नीट पीजी इनसेट यानी एम्स के बारे में, बट आज हम स्पेशली डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएमएस। सर, जैसे यूपीएससी सीएमएस है, इसका मतलब एक तो बेनिफिट क्या होता है और इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है उसका मतलब आप थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि हमें इसकी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो आप इसकी एलिजिबिलिटी और इसका बेनिफिट क्या है, आप थोड़ा सा वो बताइए आप हमें। डॉक्टर साहब, यूपीएससी सीएमएस ही एक ऐसा एग्जाम है जो आप इंटर्नशिप में दे सकते हो। इनफैक्ट इफ यू टॉक अबाउट एफएमजी, तो एफएमजी का जो एग्जाम होता है उससे पहले आप इसका रिटर्न एग्जाम दे सकते हो, और जब आपका एफएमजी क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में फिर आप डेफ और इसका इंटरव्यू भी दे सकते हो। तो फाइनली अगर छोटी सी बात की जाए तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि यही एक ऐसा एग्जाम है जो आप इंटर्नशिप में या फाइनल ईयर में दे सकते हो। बाकी चाहे आप नीट हो इनसेट हो, वो सब आप इंटर्नशिप में या इंटर्नशिप के बाद आप देते हो। और सर, सो ये जैसे बोलते हैं कि नीट पीजी से डिफरेंट होता है, या जो आईएनआईसीटी देते हैं एम्स के लिए उससे डिफरेंट होता है, तो आप हमें ये बताइए मतलब ये उस टाइप से कैसे डिफरेंट होता है, नीट पीजी और एम्स से कैसे थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके बारे में आप बताइए थोड़ा। बेसिकली नीट में तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पूरे एमबीबीएस के आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, सेम जी इनसेट में भी आपको पढ़ने होते हैं। जी सर लेकिन यूपीएससी सीएमएस काफ़ी हद तक डिफरेंट है, काफ़ी हद तक, इसलिए एक तो पैटर्न अलग है, दूसरी बात ये यूपीएससी सीएमएस में ओनली आपके थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के सब्जेक्ट आते हैं, स्पेशली मेडिसिन। यूपीएससी सीएमएस में टोटल 240 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें मेडिसिन के 90 क्वेश्चन होते हैं अराउंड, जनरल सर्जरी के 40, ऑप्स एंड गायनी के 40, पीट्स के 40 एंड कम्युनिटी मेडिसिन के भी 40। इसके अलावा दो चार जैसे ईएनटी एंड आई से, कुछ रेडियोलॉजी से, कुछ माइक्रो से दो चार क्वेश्चंस आते हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखा जाए तो यही मेजर सब्जेक्ट होते हैं थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के। इसका पैटर्न भी थोड़ा अलग है, पैटर्न मतलब इसमें वन लाइनर तो कम आते हैं लेकिन क्रॉस मैचिंग वाले क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ ऑप्शन थोड़े इतने ज़्यादा होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं कि आपका जो कट ऑफ है 54-55 के अराउंड ही रहता है। अगर आप पिछले 10 सालों का कट ऑफ देखें तो ऑन एन एवरेज आप मान लो अराउंड 54 या 53% कट ऑफ गया जनरल कैटेगरी का, बाकी कैटेगरी का तो इससे भी कम ऑब्वियसली होगा। सो अभी अगर आप 2023 के कट ऑफ की बात करें तो कैटेगरी वन में 54% है और कैटेगरी टू में अराउंड 53 के अराउंड है। सो इसका कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। रीज़न उसका क्या है, क्योंकि इसका पेपर काफ़ी लेंदी होता है, आपको 2 आवर्स 2 आवर्स इसका जो पेपर का पैटर्न है, पेपर वन 2 घंटे का होता है, उसके बीच में 2 घंटे का गैप होगा, फिर 2 घंटे का पेपर होता है। तो अल्टीमेटली टाइम ड्यूरेशन काफ़ी अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द पेपर काफ़ी कम है, इसलिए इसका कट ऑफ भी थोड़ा कम जाता है। दूसरी बात यह है कि इसके जो क्वेश्चंस का पैटर्न है बड़ा स्पेसिफाइड होता है, वो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, आपको समझ में आएगा कि कितना ये अलग है नीट पीजी एंड एम्स पीजी से। और सर, इसका जैसे ये प्रिपरेशन कराते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी कहीं कोचिंग में कोई इसके बारे में बताता नहीं, सब फोकस करते हैं कि नीट पीजी की तैयारी करो या आप आईएनआईसीटी की तैयारी करो, कभी भी मतलब कोई भी कोचिंग में इसके बारे में बताते नहीं कि यूपीएससी सीएमएस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, उसके क्या बेनिफिट है। तो इसकी प्रिपरेशन मतलब कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी ऐप पे ये अवेलेबल नहीं है इसके बारे में, तो कहाँ से इसकी तैयारी करनी पड़ती है, क्या होता है, वो थोड़ा सा आप बताइए। यूपीएससी सीएमएस बेसिकली एक ऐसा एग्ज़ाम है जिससे बेसिकली अगर आप नीट से कंपेयर करो तो नीट तो एक आपकी पढ़ाई हो गई, आप यू आर डूइंग पीजी, मतलब आप स्टडी कर रहे हो, ये एक जॉब है। एमबीबीएस के बाद आप सीधा जॉब में आ गए, जॉब आपकी हुई ग्रुप ए क्लास वन गजेटेड ऑफिसर की आपकी जॉब होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जॉब होती है, पे लेवल 10 से आपकी स्टार्ट होगी, अच्छी खासी सैलरी होती है, अराउंड अराउंड 1 लाख से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। दूसरी बात ये एक बड़ा कन्फ्यूजन सा है कि हम नीट पढ़े या ये पढ़े, दोनों लगभग लगभग सेम है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं एमबीबीएस के बाद इस जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग पीजी के बाद ज्वाइन करते हैं, दोनों ही केस में आपको बेनिफिट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बात करें तो मैंने आफ्टर पीजी ज्वाइन किया है, बहुत सारे लोग आफ्टर एमबीबीएस ज्वाइन करते हैं, तो ये प्रॉपर एक जॉब है। बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं कि
आपके 3 साल बाद 5 साल बाद स्पॉन्सर्ड कोटा मिलता है, आपने 3 साल जॉब करी, उसके 3 साल 5 साल बाद आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर कोटा देती है उसके थ्रू भी आप पीजी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली पीजी तो करना ही है आपको, जी सर, लेकिन बस फर्क इतना है, कई कुछ लोग ये पहले ज्वाइन करते हैं उसके 3 साल बाद पीजी करने चले जाते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा एक कोटा मिलता है जिसका नाम है स्पॉन्सर कोटा, उसमें गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है जिससे आप पीजी कर लो। सो आफ्टर ऑल आप पीजी करके भी ज्वाइन कर सकते हो, पीजी से पहले भी ज्वाइन कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। जी सर। और सर इसका जैसे होता है किसी का एग्जाम पहले निकल गया और उसका कोई इंटर्नशिप वगैरह बची हुई है, तो उसके लिए एक्सटेंशन वगैरह मिल जाता है? हाँ, बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि आपको एक्सटेंशन मिल जाता है इफ यू आर डूइंग ऑलरेडी, आपने पीजी आप कर रहे हो और आपका रिजल्ट आया कि, या आप इंटर्नशिप कर रहे हो, तो वो एक ऐसी चीज़ आप छोड़ नहीं सकते, तो उस केस में गवर्नमेंट पूरी हेल्प करती है आपकी और मैक्सिमम चांसेस होते हैं एक्सटेंशन भी आपको मिल जाता है। सो ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, सिलेक्शन हो ना हो अलग बात है, क्योंकि इससे आपको वैसे भी बहुत फ़ायदा मिलता है, आपकी तैयारी भी हो जाती है और आपको पैटर्न भी पता चलता है। इस एग्ज़ाम में पहले रिटर्न होता है, उसके बाद में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए आपको धौलपुर हाउस जाना होता है, जो कि बड़ी अच्छा एक एरिया है, और यू विल एंजॉय योर इंटरव्यू अगर आपका सिलेक्शन होता है रिटर्न में तो, और बड़ी अच्छी यादें आप बना के जाते हो अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो। सिलेक्शन होना ना होना वो एक अलग बात है, बट देना ज़रूर चाहिए। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको यूपीएससी सीएमएस से रिगार्डिंग सर ने आपको दी है ये काफ़ी है, लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सर का एक चैनल है डॉक्टर वरुण अग्रवाल के नाम से यूट्यूब पे, तो आप वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे अवेलेबल होगी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जो भी आपको क्या बेनिफिट होता है, एग्ज़ाम कैसे होता है, कैसे प्रिपरेशन करनी होती है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन किस टाइप का आता है, तो सब इन्फॉर्मेशन सर ने वहाँ पर डाल के रखी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को आप डिस्क्रिप्शन से आप क्लिक कर सकते हैं, तो सर का चैनल भी आप सब्सक्राइब कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यूपीएससी सीएमएस एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके रिगार्डिंग बहुत कम लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिए और यूपीएससी सीएमएस के लिए भी आप प्रिपेयर करिए, क्योंकि इसका पैटर्न भी सेम ही होता है, आप नीट पीजी के साथ कर सकते हैं, एफएमजी के साथ कर सकते हैं, तो इसलिए यूपीएससी सीएमएस के लिए भी आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप सर के चैनल से ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर थैंक यू। आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।